सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसेट्स क्या कहलाते हैं, व्हाट इज़ एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स बेसिकली वो चीज़ होती है जो चीज़ आपके पॉकेट में पैसा डालती है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एसेट्स, व्हाट इज़ एसेट्स। एसेट्स इन फाइनेंस टर्म, फाइनेंस टर्म में एसेट्स का मतलब थोड़ा अलग होता है और अकाउंटिंग टर्म में फाइनेंस एसेट्स का मतलब थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो हम पहले फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से जान लेते हैं कि एसेट्स कहलाता क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो एसेट्स होता है वो चीज़ होती है जो चीज़ आपके पॉकेट में पैसा डालती है। ठीक है, अब एसेट्स ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल एसेट्स, दूसरा होता है रियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स वो होते हैं जब आप फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ में पैसा डालते हैं, जैसे कि आपका स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड हो गया, शेयर्स हो गए, इन चीज़ को हम फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं। कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद लिया, किसी कंपनी में आपने पैसा डाल दिया, इक्विटी खरीद ली, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे फाइनेंशियल एसेट्स। समझ गए? अब बात आते हैं रियल एसेट्स क्या होते हैं। रियल एसेट्स वो चीज़ होती है जो चीज़ रियल है, फिजिकली दिखती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, दैट इज़ एन एसेट्स, है ना। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, गोल्फ रिजॉर्ट बन रहा है, होटल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, तो इन चीज़ में अगर आपने पैसा लगाया है तो इसको हम बोलेंगे रियल एसेट्स। क्योंकि जब उस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, यानी आज नहीं तो कल तो प्रॉपर्टी के प्राइस जो है वो इंक्रीज होंगे ही होंगे, तो वो जब आपको रिटर्न मिलेगा तो वो आपका एसेट्स हो गया। इसी तरीके से मैंने फाइनेंशियल एसेट्स बताए कि जो आपने शेयर्स खरीदे थे, आज समझो 100 रुपए के खरीदे, तो कल के दिन वो 120 के होंगे अगर कंपनी अच्छी है, तो आपको कमा के दे रहा है ना वो, तो इसको हम एसेट्स बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एसेट्स अकाउंटिंग टर्म से क्या होता है। देखो, एसेट्स ना अकाउंटिंग टर्म में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट्स, एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होता है जो चीज़ आपको दिखता है, लाइक अ रियल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स इज लाइक अ रियल एसेट्स, आपका बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, जो भी चीज़ है उसको हम टेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। कंपनी के पास जो भी चीज़ है और जो चीज़ उसको कमा के दे रही है और जो दिख रही है, तो फिजिकल एसेट्स, रियल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स सारे एक ही चीज़ होते हैं। तो समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। दूसरा आता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स वो होता है जो आपको कमा के देता है बट वो दिखता नहीं है, लाइक कंपनी की गुडविल, कंपनी की गुडविल यानी कंपनी का नाम, कंपनी का ब्रांड, ये एक एसेट्स होता है। फॉर एन एग्जांपल, बायजू एक बहुत बड़ा नाम है, तो ये उनका एक एसेट है, लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट्स है, मार्केट में उनका नाम है, तो दैट इज़ देयर गुडविल, तो वो एक इंटेंजिबल एसेट्स है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि एसेट्स एक्चुअली होता क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।